एक्सप्रेस पर जो कार से वापिस आ रहे थे उनमें से 67 लोगों की निर्मम हत्या की गई। उसका प्रत्याघात पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। उसकी प्रक्रिया को, रिएक्शन की प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए 28 फरवरी 2002 को नरोड़ा गांव में भी कुछ हादसे हुए जिनमें 11 लोगों की जान गई थी। कुछ मकानों को जलाया गया था, लुटपाट वगैरह का भी आक्षेप था। कोर्ट ने सन 2009 में 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम किया था जिसमें 153 ए मतलब दो कौम के बीच में वैमनुष्य फैलाना, हत्याएं करना, लुटपाट करना, आगजनी करना और भी बहुत सारे चार्जेस थे। सभी चार्जेस में थे, सभी एक्यूज को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। किसी को भी कोर्ट उठते तक की भी कोई सजा नहीं हुआ है। ये केस चलाने में माहौल में ऐसा है कि इस केस चलाने में जो न्याय की प्रक्रिया है उसके अंदर जो समय लगता है उस समय के अंदर ये प्रक्रिया में इतना लंबा विलंब हुआ है, लेकिन न्याय देर से मिला लेकिन दुरुस्त से मिला है। कोर्ट आरोपियों विरोध जो पूरा आक्षेप था ते आक्षेपो खोटा था अने ते आक्षेपो पूरा करवा सरकार निष्फळ गई छे एवं जाहिर અત્યારે જાહેરમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે કે બધાને નિર્દોષ છોડી મૂકવામાં આવે છે, ક્યાં સુધીમાં ઓર્ડર આવે, કેટલા બેનો ઓર્ડર આવે, કાલે ખબર પડશે।